किस तरह की तैयारियां चल रही है अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर? अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां चल रही हैं। अपने पूरे अलीगढ़ जनपद में सभी जगह बैठकें हो गई हैं, विधानसभा वाइज मंडल वाइज बैठकें हो गई हैं। हर बूथ से कार्यकर्ता आने के लिए उत्साहित है माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए। अमित शाह जी पिछली बार भी यहाँ आए थे, उससे बड़ी और विशाल रैली की इस बार तैयारियां हम सब लोगों ने की। कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया, किस नाम से? जन विश्वास के नाम से है यात्रा का लेकर हम इसको कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे हर स्थान पर जहाँ भी हमारे ये यात्रा हो रही है और सभाएं हो रही हैं, विशाल समूह आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर, उनके भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को जन समर्थन मिल रहा है। गैदरिंग की अगर बात की जाए तो एप्रोक्सीमेटली क्या बैकड्रॉप लगेगी? संख्या हमारी जो है 50,000 से ऊपर की संख्या रहने की पूरी पूरी संभावना है। कोविड गाइडलाइंस को लेकर क्या तैयारियां? कोविड गाइडलाइंस को लेकर हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और लोगों को मास्क लगा के रहने की सभी को बोला गया है। और यहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह भी होगा और जो बसों में भी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु आ रहे हैं वह सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आएंगे। कार्यक्रम में जिला स्तर पर रहेंगे या बाहर से भी? नहीं नहीं, अलीगढ़ जनपद के कार्यकर्ता हैं केवल, ये अलीगढ़ जनपद की वो रैली है और इसमें हमारे प्रदेश के भी नेता रहेंगे और केंद्र के भी नेता रहेंगे और अमित शाह जी मुख्य रूप से उनका उद्बोधन होगा। चल रही है जो अमित शाह जी आ रहे हैं? हाँ, कल माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ अलीगढ़ में कार्यक्रम है तो तैयारियाँ सभी चल रही हैं। PWD के लोग लगे हुए हैं, हमारे हेलीपैड वगैरह बन गए हैं और रास्ते बन रहे हैं, मंच की तैयारी भी हो रही है, सभी तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी हमारे जो अधिकारी लगेंगे ड्यूटी में, मजिस्ट्रेट और विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की हो, वाहन पार्किंग हो, VIP पार्किंग हो, सभी जगह ड्यूटियाँ भी लग गई हैं और बाकी तैयारियां भी सारी की जा रही हैं। कितने हेलीपैड बन गए सर यहाँ पर? दो हेलीपैड हैं यहाँ पर बन चुके हैं। बात हो अगर फोर्स की जाए तो कितना? फोर्स के बारे में तो हमारे कप्तान साहब बताएंगे, लेकिन फोर्स की भी पर्याप्त व्यवस्था जो भी मानक के हिसाब से है वो सब करी जा रही है। 3 बजे उसकी ब्रीफिंग भी है, आप लोग उस समय आकर के पूरा डिटेल ले सकते हैं। गैदरिंग की कोई जानकारी, कितनी गैदरिंग के संबंध में? यहाँ पर जो जनपद के प्रभारी हैं शर्मा जी भी मौजूद हैं, तो कम से कम 40-50 हज़ार की भीड़ तो आने का अनुमान है, उसकी व्यवस्था हो रही है उसी हिसाब से। बाकी पार्टी प्रभारी जो हैं यहाँ कार्यक्रम के, वो लोग बताएंगे उसके बारे में। थैंक यू।